Bismillahir Rahmanir Rahim. Chapter number 14. Solutions of trigonometric equation. इसकी exercise 14 start की थी हमने, जिसके अभी तक हमने first two questions solve किए थे. Next हम question number 3 से इसको start करेंगे. Question number 3 की statement है आपके पास. Question start करते हैं question number 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशंस गिवन है, ठीक है. 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और यहां से थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है. तो बेटा देखें, इसको हम यहां पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहां पे फैक्टराइज करेंगे, इसको हम यहां पे फैक्टराइजेशन इसकी हम जो है ना वो करेंगे, ठीक है. तो फैक्टराइजेशन इसकी हम करते हैं यहां पे. तो आप देखिएगा जी, फैक्टराइजेशन इसकी स्टार्ट करते हैं. 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है. देखिए दरमियान में जो फैक्टर आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा. तो 2 टाइम्स, एक चीज 2 टाइम्स लिखियो, तो आप उसको कह सकते हैं 1 plus 1, क्योंकि 1 plus 1 का मतलब होता है 2 times. अब यहां पे 2 के साथ क्या आ रहा है, square root 3 tangent theta, इसको हम 2 times लिखेंगे इस तरह से, square root 3 tangent theta plus square root 3 tangent theta plus 1 is equal to 0. बेटा first 2 expression से हम common कर लेंगे, square root 3 tangent theta, bracket में आ जाएगा square root 3 tangent theta और प्लस 1 प्लस, और इन दोनों में से हम 1 कॉमन कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1, ठीक है. तो आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर सेम बन गए. तो आपके पास यहां पे एक फैक्टर आएगा स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1, और दूसरा फैक्टर आएगा स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1. ये दोनों सेम बन गए हैं, तो इन दोनों फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0. स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, एक तरफ जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ जो 0 है उसका स्क्वायर रूट 0 ही होगा. तो बेटा यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा मेरे पास आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3. बेटा अब टेंजेंट नेगेटिव कहां कहां होता है हमने इसको डिस्कस करना है. तो यहां पे सबसे पहले हम क्वाड्रेंट मेंटेन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. जी बेटा यहां पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव आपका किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. और जो रेफरेंस एंगल निकलेगा यहां पे, रेफरेंस एंगल यानी थीटा, वो क्या निकलेगा यहां से, इस तरह से होगा ना, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ये होगा पाई बाय 6 यानी कि 30. तो सेकंड के लिए क्या बताया था आपको, फोर के लिए आपको क्या बताया था, सेकंड के लिए पाई माइनस करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6. और फोर के लिए क्या करते होते हैं, 2 पाई में से माइनस करते हैं पाई बाय 6, ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 होगा 12 यानी कि 11 पाई बाय 6. तो सॉल्यूशन सेट यहां पे आ जाएगा 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6. तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बेटा इस इक्वेशन में दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं. आप यहां पे ये काम करें कि सबसे पहले एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है. तो मैं ऐसा करता हूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूं सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस सेकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से आ जाएगा सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे हम फैक्टराइजेशन इसकी इजीली कर सकते हैं. बेटा क्या होगी, माइनस सेकेंट थीटा की फैक्टराइजेशन माइनस सेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
तो यहां से फर्स्ट टू कंपोनेंट में से secant थीटा कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा secant थीटा माइनस टू, अगले दो कंपोनेंट में से वन कॉमन करेंगे secant थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर आ जाएगा secant थीटा माइनस टू और दूसरा फैक्टर आ जाएगा secant थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, secant थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक आ जाएगा secant थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से secant थीटा आ जाएगा टू और यहाँ से cos थीटा आ जाएगा आपके पास वन ओवर टू, यहाँ से secant थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस वन और यहाँ से cos थीटा भी आपके पास माइनस वन ही रहेगा क्योंकि जब माइनस वन को वन पे उल्टाएंगे तो वो वन ही आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर जी, ठीक है बेटा जी। बेटा कोस जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट में और फोर में, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे वैल्यू थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ माइनस वन, कोस का आंसर माइनस वन 180 भी होता है यानी कि पाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस एंगल भी निकालेंगे, ठीक है, रेफरेंस एंगल भी चाहिए हमें, थीटा चाहिए, तो बेटा थीटा आप देख सकते हैं यहाँ से कोस इनवर्स वन ओवर टू ये बन जाएगा पाई बाय थ्री, ठीक है। अब आपने फर्स्ट में डिस्कस करना है और फोर में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ जी बेटा, फर्स्ट के लिए और फोर के लिए, फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए तो मैंने आपको समझाया था आपने एज इट इज उतार देना है और फोर के लिए आपने क्या करना है टू पाई में से माइनस करना है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा फाइव पाई बाय थ्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, पाई बाय थ्री और फाइव पाई बाय थ्री, ये मेरा जो है यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास, टू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहां पे भी आप क्या करें, इसको एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखें टू साइन थीटा, बेटा कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहां से आप देखेंगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसमें से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे आपके पास बाकी आ जाएगा टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एक साइन थीटा आपके पास जो है आ जाएगा जीरो और एक आ जाएगा टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी टू और आप देख सकते हैं साइन थीटा की एक टेबल के अंदर वैल्यू टू होती ही नहीं, तो हम यहां पे लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब यहां से थीटा हम फाइंड कर ही नहीं सकते और बेटा यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो, बेटा साइन का आंसर जीरो एक जीरो पे होता है और एक 180 पे होता है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू होती है जी मतलब थीटा। अच्छा इसका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन भी आसान है, क्या लिखा हुआ है, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, बेटा इसमें से आप पहले तो साइन थीटा कॉमन कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी आपके पास आ जाएगा टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बेटा एक यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और एक आ जाएगा टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बेटा देखें ना यहां से तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स जीरो, बेटा साइन ऑफ इनवर्स जीरो का मतलब होता है कि साइन का आंसर जीरो किस एंगल पे होता है, बेटा आप कैलकुलेटर पे अगर फाइंड करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं, बेटा एक जीरो एंगल पे साइन का आंसर जीरो होता है, ठीक है, एक जीरो एंगल पे साइन का आंसर जीरो होता है और एक 180 पे साइन का एंगल जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा एक आपका आंसर जीरो पे और एक 180 पे, यानी कि थीटा की जो दो वैल्यू होंगी वो जीरो और 180 होंगी, ठीक है, यानी कि साइन जीरो जीरो साइन 180 जीरो, ठीक है जी। तो जीरो पे भी और 180 पे भी साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और बेटा यहां से जो है साइन थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है, और यहां से साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बेटा, रेफरेंस एंगल यहां से क्या निकलेगा आपके पास पाई बाय सिक्स, ठीक है, और डिस्कस इसको किस में करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, मतलब किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में साइन, तो फर्स्ट के लिए डिस्कस करेंगे और सेकंड के लिए, बेटा फर्स्ट के लिए तो वही एज इट इज आ जाएगा और सेकंड के लिए आप क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाय सिक्स
तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो बेटा सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 180 ठीक है, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा क्या है देख लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, 3 cos square theta minus 2 into square root 3 sin theta cos theta और minus 3 sin square theta is equal to 0। ठीक है जी, 3 cos square theta minus 2 into square root 3 sin theta cos theta minus 3 cos sin square theta is equal to 0। बेटा इस क्वेश्चन के सामने ही आपको एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन का कि डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा, मतलब आपने इसको कोस स्क्वायर थीटा से जो है वो डिवाइड करना है। पहला काम आपने क्या करना है जी, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तमाम फैक्टर को आपने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेना, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर। बेटा ऑन बोथ साइड जब करते हैं ना, तो ऑन बोथ साइड का मतलब होता है कि आपने दोनों साइड पे जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है ना, आपने दोनों साइड पे जो है ना डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बेटा इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 into square root 3 sin theta over cos theta जो है ये tangent theta के बराबर होता है, minus 3 sin square over cos square जो है ये tangent square theta होता है, 0 over cos क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो square वाली form है उसको हम लिखेंगे पहले, फिर square के बाद वाली term यानी कि 1 वाली term, यहाँ पे आप देख सकते हैं tangent का square और यहाँ पे tangent की power 1 है, plus 3 is equal to 0। बेटा स्टार्ट में माइनस आ रहा है तो आप एक काफी आप ये करें कि जो स्टार्ट का माइनस आ रहा है ये वाला, इसको आप कॉमन कर लें। जब आप इसको कॉमन करेंगे या आप इस तरह कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय माइनस 1। ठीक है जी, जब आप दोनों साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और जीरो जीरो तो नेगेटिव होता नहीं, जीरो तो पॉजिटिव हमेशा होता है। ठीक है, जीरो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम इसको फैक्टराइज करना है हमने इसको। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से मतलब जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा, अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन जो है ये इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, देखें अब ये किस में क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है टेंजेंट थीटा में। बेटा जब आपके पास ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक किसके अंदर है, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो बेटा ये जब हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है। अब आप अगर इसको कंपेयर कर लें इस इक्वेशन के साथ तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है फिर एक्स है, यहाँ पे टेंजेंट का स्क्वायर है फिर टेंजेंट है, तो मतलब ये किस में क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स की जगह उसमें टेंजेंट आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक किस में है जी, ये क्वाड्रेटिक है आपकी टेंजेंट में। तो मतलब हम यहां पे कह सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा में क्वाड्रेटिक है, और इसमें जो ए की वैल्यू है वो 3 बनेगी, बी की वैल्यू जो है वो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बनेगी, और सी की वैल्यू बनेगी -3। ठीक है, तो बेटा जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का ए सी का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4 इंटू 3 12 प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस, 4 3 का 12 12 3 का 36 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 48 का स्क्वायर रूट बाय 6
tangent theta is equal to minus 2 into square root 3 plus minus 48 को हम लिख सकते हैं 16 multiply 3 का square root by 6 tangent theta is equal to minus 2 into square root 3 plus minus 16 का square 4 3 का square root नहीं होता divided by 6 ऊपर से आप क्या common करेंगे देखिए बेटा अब आप देखें ऊपर 1 आ जाएगा plus के अंदर result ये आप देख सकते हैं 1 plus के अंदर आ जाएगा और एक आपका माइनस के अंदर आ जाएगा इस तरह से माइनस टू इनटू स्क्वायर रूट थ्री माइनस फोर इनटू स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स तो बेटा ये आपके पास ऊपर आ जाएगा देखें यहाँ पे ऊपर से अगर स्क्वायर रूट थ्री कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आएगा माइनस टू प्लस फोर जो कि टू के बराबर होगा यानी टू इंटू स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स ठीक है यहाँ से एक टेंजेंट थीटा ये निकल आएगा और यहाँ से जो टेंजेंट थीटा वो क्या निकलेगा वो आएगा माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स इंटू स्क्वायर रूट थ्री ओवर सिक्स ठीक है ये हो जाएगा टू थ्री दा सिक्स और ये सिक्स सिक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट थ्री ओवर थ्री और यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट थ्री ठीक है इसको मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ जी बेटा यहाँ से आप देखें एक वैल्यू ये आ गई है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री ओवर थ्री दूसरी वैल्यू आपके पास आई है माइनस स्क्वायर रूट थ्री ठीक है बेटा देखें यहाँ से आप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेटा एक चीज आपको समझाइए हमेशा बेस सेम पावर ऊपर वाली हम नीचे शिफ्ट कर देंगे ठीक है ऊपर वन आ जाएगा और यहाँ से आप देखें जरा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री जी इसको भी हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है बेटा टेंजेंट पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में और नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में ठीक है यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या आएगा इसका रेफरेंस एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी टेंजेंट इनवर्स वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री यानी कि पाई बाय सिक्स और यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या आएगा आपके पास आ जाएगा पाई बाय थ्री ठीक है फर्स्ट में और थर्ड में डिस्कस करना है तो फर्स्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स थर्ड के लिए पाई प्लस पाई बाय सिक्स तो ये आ जाएगा सेवन पाई बाय सिक्स ठीक है जी और यहाँ से बेटा हमने डिस्कस करना है इसको सेकंड में और फोर में सेकंड के लिए एंगल आएगा आपके पास पाई माइनस पाई बाय थ्री तो ये बन जाएगा टू पाई बाय थ्री और फोर के लिए क्या बनेगा टू पाई माइनस पाई बाय थ्री तो ये बनेगा थ्री टू द सिक्स यानी कि फाइव पाई बाय थ्री सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा पाई बाय सिक्स सेवन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री फाइव पाई बाय थ्री ये आपका आंसर जो है आ जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है जी जी बेटा अब आगे देखें इसका क्वेश्चन नंबर एट है आपके पास क्वेश्चन नंबर एट क्या है जी फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एट कोस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो देखें बेटा इसमें भी हम एक फॉर्म पहले बना लेते हैं हम इस तरह करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस एट कोस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस फोर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एट कोस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एट कोस थीटा फोर में वन ऐड को कर वन ऐड कर दें फाइव आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को फोर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एट कोस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे फाइव फोर द ट्वेंटी ट्वेंटी के फैक्टर बनेगा यहाँ पे टेन और टू टेन कोस थीटा माइनस टू कोस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट टू कंपोनेंट में से टू कोस थीटा कॉमन करेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा टू कोस थीटा प्लस फाइव इन दोनों में से माइनस वन कॉमन करेंगे टू कोस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो टू कोस थीटा प्लस फाइव टू कोस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक फैक्टर आ जाएगा टू कोस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो दूसरा आ जाएगा टू कोस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो टू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू टू कोस थीटा इज इक्वल टू वन
cos theta is equal to 1 by 2. बेटा एक टेबल के अंदर cos की वैल्यू minus 5 by 2 होती ही नहीं, तो ये जो है which is impossible बन जाएगा. मतलब यहाँ पे जो हम कह देंगे which is impossible, मतलब यहाँ पे वैल्यू निकल भी नहीं सकती, ठीक है ना जी. बेटा इसमें दूसरी वैल्यू जो है वो है cos theta is equal to 1 by 2. यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. बेटा फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और जो रेफरेंस एंगल निकलेगा यहाँ पे थीटा वो निकलेगा पाई बाय थ्री. तो फर्स्ट में डिस्कस करेंगे और फोर्थ में. बेटा फर्स्ट के लिए तो वही आ जाएगा और फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, थ्री टू द सिक्स, ये बन जाएगा फाइव पाई बाय थ्री. सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आएगा आपके पास पाई बाय थ्री और फाइव पाई बाय थ्री. तो ये सोल्यूशन सेट आपका आ गया है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कवर हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पे फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं.